Good morning, everyone. So today is Sunday again, and it's Sunday 15th of January. So ये मेरा 2023 का पहला ब्लॉग है विंटर के टाइम में. तो आज कुछ और नया होने वाला है बिकॉज मेरे साथ और एक को राइडर है हु वुड बी ज्वाइनिंग मी इन दिस बाइक राइड टुडे. ये आज बस एक दिन का ट्रिप है और आज मॉर्निंग में निकलेंगे, फिर शाम तक हम सिलीगुड़ी फिर पहुँच जाएंगे. तो ये भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सुकिया फॉरेस्ट और यहाँ से सीधे पहुँच जाएंगे हम लोग सिमलवाड़ी पॉइंट पे, जहाँ पे मैं मामा को मिल रहा हूँ. अंदर मामा कति वेट गर्नु पर्यो भर्खर आएको जुन त हजुर चलिए फिर चलते हैं. ये जो सीधा रूट जाता है ये है मिर्क की तरफ, बट आज का हमारा रूट है राइट को जो जाएगा कशम की तरफ और हम राइट लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं सीधे सीधे. राइट, हम लोग पहुँच गए अभी टोल गेट और यार एक भी जगह नहीं बाइक जाने के लिए यार. और राइट, आगे बढ़ते हैं. और अब वेदर ऐसा हो और बाइक चला रहे हो उसका डबल ही मज़ा है. अमेजिंग व्यू देख लो यार, एकदम मस्त लग रहा है. मामा आगे निकल गए. ये पहुंच गए हम लोग धोबीकोला. अब धोबीकोला से ये राइट को ऊपर एक छोटा रास्ता जाता है हाईवे को छोड़ के, जो पहुंचता है दिलाराम से कोयला गोदाम की तरफ. और ये चढ़ाई है, चढ़ाई में थोड़ा सा मतलब दो नंबर तीन नंबर गियर पकड़ना पड़ता है, बाकी रोड ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर पैचेस बहुत ख़राब है यार. मतलब आपको दिख ही जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाओगे तो बीच में ना आपको पैचेस बहुत, रोड पैच बहुत ख़राब है. ये आगे देखिए पूरा का पूरा रोड एकदम ख़त्म है. और यहाँ से फिर हम ये मामा के कंपाउंड के ऊपर से होते हुए घर की तरफ जाता है ये रास्ता. ये पहुँच गए हम लोग ऑलमोस्ट और पहुँच गए घर पे. और बाइक को करते पार्क, ये बैग उठाते हैं और ले चलते हैं. सो टाइम अभी हो रहा है 10:47 और यार हम लोग पहुँच गए फाइनली मामा और मैं. यार ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, एक्चुअली चढ़ाई थी और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पहुँच गए. और यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है अराउंड आई थिंक 3-4 degrees है, ठंड है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा. तो थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, चाय वाय पी के थोड़ा सा ना फ्रेशन अप हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा बहुत घूमेंगे आसपास जो जगह है वहाँ पर जाएँगे. लेट्स सी मामा का ले जाते, जहाँ मामा ले जाएंगे वहीं चलेंगे फिर. और आपको दिखा दो यार ऑर्किड, यार इतनी मस्त मस्त ऑर्किड है देख रहे हो. ये ऐसा गांव का किचन दिख नहीं रहा होगा अभी, यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई है, वहाँ पे चूल्हा बना हुआ है मिट्टी वाला चूल्हा. एकदम प्रॉपर गांव वाली फीलिंग, एकदम प्रॉपर, एकदम बहुत सही वाली. लो भाई देख लो पूरा गांव का नज़ारा, पूरा एरिया ना यहाँ से लेके पूरा उस साइड जो रोड है, ये पूरा का पूरा फील्ड, ये रास्ता, ये घर भाग दे रही मुर्गी, ये पूरा ये जो पहाड़ है, ये घर है, ये सारा कुछ लेके यहाँ से पूरा का पूरा मामा लोग का बटा हुआ है ये. वो रही अपनी बाइक एक्सपल्स, मामा की बाइक. Thank you.
देख रहे हो, ये टमाटर का कजन है, ट्री टोमेटो। इससे ना चटनी वटनी बनता है, एकदम मस्त आइटम सी, सही चीज़ है ये। और ये मतलब हर घर पे ऑलमोस्ट मिल जाता है पहाड़ों में। ये देख लो कड़कनाथ, ये भी पाल रखा हुआ। Alright, थोड़ा बहुत हमने अब खाना खा लिया और अभी हम निकल रहे हैं। मामा ने डिसाइड किया है कि वो हमें ले जाएंगे कुछ स्पॉट्स पे। तो यार ये रोड थोड़ा सा पैच खराब है, मतलब पूरा का पूरा ही ऑलमोस्ट। लेकिन आप इनके बीचों बीच से जाओगे ना तो आपको बहुत सारे मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया आपको होम से दिख जाएंगे। जैसे आप लेफ्ट और राइट में देख रहे हो ऐसे बहुत सारे हैं आपको, और बीच में आपको टी गार्डन्स दिख जाएंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है एकदम कोहरे में पूरा ढका हुआ, और दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए सिटोंग वन में। ये पूरा का पूरा एरिया फेमस है संतरों के गार्डन के लिए, जहां से पूरा का पूरा संतरा सप्लाई होता है। गाइज अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पे सिटोंग वन में, इस जगह का नाम है। तो ये जगह एक्चुअली बहुत फेमस है ऑरेंजेस के लिए, संतरों के लिए। तो अगर आप देखो तो मतलब चारों तरफ संतरे ही संतरे, एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। एक बार दिखा देता हूँ पैन करके और देख लेना। तो यहाँ मतलब आप फोटो वगैरह ले सकते हो, बट तोड़ना ओढ़ना मना है, नहीं करना चाहिए वैसे भी, बहुत बुरी बात है। बाकी आप वहाँ नीचे से ना रोड के वहाँ पे आपको ख़रीदने के लिए मिल जाएंगे संतरे, यहाँ से भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ मैडम बैठा हूँ सर, नहीं सर टिपेर अभी नहीं टिपेर, यहाँ फ्रेश भी नहीं दिन सकते। हाँ यहाँ से ले भी सकते, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है भाई, 150 का या फिर 160 का होता है, 12 या 15 पीस होता है। तो आपको पूरा पेड़ से मिल रहा है पूरा फ्रेश फ्रेश, राइट। वो दुकान से ख़रीदने से अच्छा कि अगर आप घूमने आ रहे हो, अगर ऑफ बीट एरिया पे आ रहे हो जैसे सिटोंग वन में, तो बेस्ट है कि आप इस साइड आ जाओ, घूमो, देखो जगह देखो, और उसके साथ आप यहाँ से फ्रेश फ्रेश ऑरेंजेस भी ले जाओ। अब अगर दिसंबर और जनवरी के टाइम पे आओगे, जनवरी एंड होने से पहले तक, तो आपको ना ये पेड़ों पे मिल जाएंगे सारे संतरे, और आपको आप ख़रीद भी सकते हो। तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट। इसको सिटोंग वन कहते हैं वंस अगेन, और क्योंकि जनवरी के बाद, ये कह रहे हैं कि जनवरी के बाद ये सारा कुछ ना हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको नहीं मिलता फिर। और जैसा आप देख पा रहे हो यार, ये सिटोंग वन से नीचे नीचे आप जितना आप डाउन हिल जाओगे, रोड इतना ही मस्त और सीनरीज वगैरह इतने बढ़िया बढ़िया हैं। जैसे कि पूरा का पूरा हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट रैंडम था, हमने कोई ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं रखा था बहुत पहले से। पर जैसे हम नीचे आ रहे थे, हमने देखा कि नीचे कोई फेस्टिवल सा हो रखा हुआ, थोड़ा नीचे जाके हमने देखा कि यहाँ कोई फेस्टिवल्स हो रखा। तो हमने डिसाइड किया मामा मैंने कि हम यहाँ रुकते हैं, देखते कि है क्या। अब यहाँ पे बहुत सारी जनजाति है, उसमें से एक है राय समाज, उनका एक पूरा फेस्टिवल हो रहा था। ये मकर संक्रांति के ठीक टाइम पे होता है, और ये है एक बेवरेज, अल्कोहल बेस्ड बेवरेज जो बनता है मिलेट से, जो बाजरा भी बोलते हैं हिंदी में, एकदम बढ़िया ड्रिंक है। अब ये आप जो देख रहे हो ये है एक्चुअली शामन्स है, ये प्रेयर्स कर रहे हैं पूरे लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, इसके लिए। ये अभी हम लोग पहुँच गए जोगी घाट में, और ये सिटोंग वन वाले एरिया में पड़ता है, नीचे ही है एकदम। जैसे आप मेन रोड पकड़ के नीचे नीचे डाउन हिल चलोगे तो ये आपको ये जोगी घाट मिलेगा। ये बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। ये नया वाला ब्रिज है जो जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये वाला तो बहुत ही रिसेंट वाला पुल है, बट मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में ना बहुत ही पुराना वाला एकदम टूटा फूटा सा पुल है। सो मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा उसका। यहाँ पे राइट साइड में ना यहाँ पे दुकान भी है और घर भी है, तो आप आके आराम से बैठ के यहाँ पे जो आपको खाना वाना है पीना वाना है, मस्त जगह है यहाँ पे साइड में।
दिखा देता हूँ आपको एक बार ना। ये रहा, यार मेरे ख्याल से ना जहाँ तक जितना तक मैंने देखा अभी तक सिटोंग वन में, ये जगह का नाम है सिटोंग वन, रोड एकदम मक्खन मस्त रोड है। मतलब मेरे ख्याल से मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर दार्जिलिंग साइड आ रहा कोई दिल्ली विल्ली से कहीं और से, तो मेरे ख्याल से ना दार्जिलिंग सीधा टाउन ना जाके, क्योंकि टाउन बहुत ज़्यादा जाम खचाखच भीड़ बहुत ज़्यादा वो है, कंजेस्टेड वाला जगह है। लेकिन इस एरिया में ना बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे होम स्टेज है जो आपको ऑथेंटिक एक्चुअल होम स्टे का ना एक्सपीरियंस देगी, जो पहाड़ों में जो खाना वाना बनता है, जो प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी है, जो प्रॉपर जो फूड है, वो आपको सही से अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको इन एरिया पे मिलेगा जो कि ऑफ बीट है सिटोंग वन, और रोड एकदम मक्खन है। आप गाड़ी से आओ या फिर टू व्हीलर से आओ, फोर व्हीलर टू व्हीलर सब कुछ एक्सेसिबल है इस जगह पर चौड़ी रोड से। Alright guys, so this will be the last destination, और ये है आलडाड़ा। तो यहाँ से व्यू वगैरह बहुत सही दिखता है, दैट्स दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर, बट आज लग नहीं रहा कि कुछ दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध है और कोहरा है, सो मुश्किल ही लग रहा है कुछ दिखेगा अभी। चलो देखते आगे जाके। देख लो 360 देख लो, नज़ारे ही नज़ारे मस्त देख रहे हो। गाइस और एक फन फैक्ट आलडाड़ा का, ये जो देख रहा है आपको शॉप या पेड़ था, ये ना पूरा प्लांटेशन लगा हुआ चारों तरफ, मतलब पूरे ये पहाड़ में पूरी जगह पे लगा हुआ। फन फैक्ट ये है कि इसका जो बार्क है, जो इसका जो पेड़ का जो छिलका, इससे मलेरिया को क्योर करने वाला टैबलेट बनता है। सो इनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ है, तो इसलिए इनको हर जगह पे ये पेड़ लगा हुआ है, लगाया प्लांटेशन लोगों ने। अच्छी बात है, मतलब यहाँ से भी एक बीमारी को फाइट करने के लिए एक सही चीज़ जा रही है, अदर देन दी टी, क्योंकि एक तो चाय के बागान है वो अलग से चीज़ है, बट ये चीज़ बहुत सही है जो मुझे बस अभी भी मामा ने बताया, तो इसलिए शेयर कर रहा था। चलो आई थिंक अब ऑलरेडी क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक 2:30 बज चुके हैं। इस टाइम के लिए बस ब्लॉग में इतना ही, और क्योंकि ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन भी है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।